इस बीच आपको बता दें, निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। बूथों से आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। कल 38 जिलों में कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है और 1 करोड़ 92 लाख से अधिक मतदाता वोट डालने जा रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में प्रदेश के 7 नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो बीते दिन अब जिस तरीके से चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, अब 11 मई को यहां पर वोटिंग होने जा रही है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। बूथों से आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। कल 38 जिलों में कल सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान होने जा रहा है और सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग यहां पर करेंगे। तकरीबन करोड़ों की संख्या 1 करोड़ 92 लाख से अधिक मतदाता है जो कल वोट डालने जा रहे हैं। दूसरे चरण में प्रदेश के 7 नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में है और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हो चाहे दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियों ने भी धुआंधार प्रचार यहां पर किया है। दूसरे चरण में कहां कहां मतदान होने वाले हैं अब आप ये जान लीजिए। मेरठ मंडल के जिलों की बात की जाए तो मेरठ में मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर यहां में शामिल है। वही आगे रुख करते हैं बरेली मंडल की अगर बात की जाए, बरेली मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, बदायूं है, शाहजहांपुर है, बरेली है, पीलीभीत है, यहां पर कल वोटिंग होने जा रही है। अलीगढ़ मंडल की अगर बात करें तो अलीगढ़ मंडल में हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर कल वोटिंग होने जा रही है। कानपुर मंडल के जिले की अगर हम बात करते हैं, नगर कानपुर नगर यहाँ पर है, कानपुर देहात है, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया यहाँ पर मतदान होने जा रहा है कल। आगे यहाँ शुरू करेंगे बात करेंगे चित्रकूट मंडल की। चित्रकूट मंडल में जिले आते हैं हमीरपुर है, चित्रकूट है, महोबा है, बांदा है, यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। अयोध्या मंडल के जिले आपको बता दें, अयोध्या मंडल में आते हैं अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, यहाँ पर कल वोटिंग। वही आगे रुख करेंगे यहाँ से तो बस्ती मंडल के जिले आपको बता देते हैं, बस्ती में बस्ती है, संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है, यहाँ पर कल वोटिंग होने जा रही है। इसके आगे आजमगढ़ मंडल की अगर हम बात करें, आजमगढ़ मंडल के लिए आजमगढ़ है, मऊ है, बलिया है, यहाँ पर वोटिंग। आगे रुख करते हैं मिर्जापुर मंडल के जिले की आपको बता देते हैं, यहाँ पर सोनभद्र है, भदोही है, मिर्जापुर है, यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। तो इन मंडलों में वोटिंग कल होने जा रही है। कल है दूसरा चरण, 11 मई को वोटिंग, शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और उसके बाद 13 मई को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। और इसे लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, धुआंधार प्रचार किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड में नजर आए, चुनावी मैदान में लोगों के बीच लगातार वो पहुंचते रहे। अब कल जाकर के दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और इस खबर पर दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से संवाददाता सरोज शर्मा जो इस पर पूरी जानकारी देंगे, कानपुर से संवाददाता रतीश त्रिवेदी रहने वाले हैं, पूरी जानकारी वो देंगे इस पर। सरोज का रुख करते हैं, सरोज क्योंकि अब दूसरे चरण का मतदान, ऐसे में क्या तैयारियां आप देख रहे हैं इसको लेकर के मेरठ में? हाँ, मेरठ में देखिए कल वोट डाले जाएंगे और उसको लेकर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होना शुरू हो गई हैं। जो तमाम तैयारियां हैं वो यहां पर अभी की जा रही हैं। जो तमाम पोलिंग पार्टियां हैं उनको यहां से ड्यूटी अलॉट की जाएगी, जो ड्यूटी चार्ट है वो उनको यहां से मिलेगा। और जो नगर निगम है, नगर निगम की जो वोट हैं वो ईवीएम से डाली जा रही हैं, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत की जो वोटें हैं वो बैलेट पेपर से होंगी। तो यहाँ देखिए कि तमाम किस तरीके से यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों को ज़रूर यहां पर जो ईवीएम है वो अलॉट यहां पर कर दी गई है और ये लोग बाकायदा यहां पर चार्ट बना रहे हैं, जो तमाम चीज़ें हैं वो यहां पर चेक कर रहे हैं कि ईवीएम या किसी चीज़ में वीवीपैट में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और दूसरी तस्वीर ये देखिए कि जो अधिकारी हैं वो सुबह से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, पूरी यहाँ पर जो एक प्लानिंग की गई थी उस प्लानिंग में किसी तरह की कोई कमी या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। यही हम बात कर लेते हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, डीएम दीपक मीणा जी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि तैयारियाँ, पोलिंग पार्टियाँ कुछ दिन में रवाना होना शुरू हो जाए? हाँ, ऑलरेडी लोग आ रहे हैं और अपनी ड्यूटीज़ ले रहे हैं और अपने कागज़ और ये सब चेक कर रहे हैं और यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे नगर निगम की पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच सेंटर है और जैसा आप जानते हैं कि सब नगर एरिया में ही है, विद इन हाफ एन आवर ज़्यादातर जगह सेंटर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 बजे तक हमारी सारी पोलिंग पार्टीज़ यहाँ से डिस्पैच हो जाएगी। तमाम तैयारियाँ, तमाम इंतजाम? नहीं, सभी चीज़ें पूरी हैं और ऑलरेडी आज जाएंगी पोलिंग पार्टी, सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल भी यहाँ पे हैं, उसके बाद सभी लोग जाने के बाद उधर निकलेंगे भी वेरीफाई करने के लिए और हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी बनाया, अगर किसी का कोई इशू होगा किसी बूथ को तो उसको भी आज ही टाइमली रिजॉल्व किया जाएगा। और इसके अलावा कल जैसा आप जानते हैं कि पोलिंग है ही और सभी चीज़ें इन प्लेस हैं, सभी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, तो कल पूरे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पोलिंग। सर, चूँकि गर्मी ज़्यादा है तो मतदान प्रतिशत बढ़ाना कहीं ना कहीं एक चुनौती से कम नहीं है, तो उसके लिए कोई और व्यवस्था की?
देखिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुत शुरू से ही मेहनत होती है, चाहे वोटर लिस्ट बहुत क्लीन हो, हमारी जो वोटर पर्चियां हैं वो टाइमली बढ़ जाए, तो हम लोग काफी ज्यादा वोटर लिस्ट पे काम भी किया है। और उसके अलावा जो पीएलओ की पर्चियां हैं, जा रही है सनु, जो आपके पास लौटूंगी, आप बातचीत करिएगा। अब कानपुर का रुख करते हैं, कानपुर में क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के, रतीश वहां पर मौजूद। रतीश, क्या तैयारी वहां पर? देखिए, कानपुर की नौबस्ता गल्ला मंडी में मैं मौजूद हूं और आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं कि किस तरह से जब कानपुर में कल सुबह 7 से और शाम 6 बजे मतदान की प्रक्रिया होनी है, उससे पहले क्या तैयारी चल रही है। ड्यूटी चार्ट देने वाला ये काउंटर है, यहाँ पर बूथ संख्या 897 से 916 तक पर्चियाँ मिल रही हैं। ये मतदान कार्मिक हैं, 10,008 की इनकी संख्या है मतदान कार्मिकों की। कानपुर शहर में, कानपुर जिले में जो निकाय चुनाव होने हैं उनको शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए, और ये मतदान कार्मिक पहुँच रहे हैं, उनको इनकी ड्यूटीज़ दी जा रही है, किस बूथ पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है, और उसके बाद दूसरी काउंटर पर ये लोग जाएंगे जहां पर इनको चुनाव सामग्री दी जाएगी, ईवीएम्स दी जाएंगी। ये नौबस्ता गल्ला मंडी है, यहीं पर से ईवीएम्स दी जाएंगी, बैलेट पेपर दिए जाएंगे, क्योंकि निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है और नगर निगम के क्षेत्र में ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। तो अधिकारी जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। जो पोलिंग पार्टियाँ हैं उनको 8 बजे सुबह से रवानगी की बात कही गई थी, लेकिन अभी चुनाव सामग्री जो मतदान कार्मिक हैं वो ले रहे हैं, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि आधे से एक घंटे बाद वो यहाँ से रवाना हो शुरू हो जाएंगे। लेकिन 129 सेक्टर्स में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर्स में बांटा गया है, 129 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 33 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 10 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं और ये मतदान कार्मिक हैं जो कानपुर शहर में एक नगर निगम, 2 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका परिषद के लिए साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यहाँ से अब से कुछ देर बाद निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी पोलिंग पार्टीज यहाँ से रवाना होना शुरू हो जाएंगी। और यही चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए, निष्पक्ष कराने के लिए पूरी तैयारी और जोन में यहाँ पर सेक्टर्स बांट दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सनुज और रतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।